घटना हुई यार, तो क्या मामला है शहर में? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो शहर में भू माफियाओं के द्वारा धर्मशाला, मंदिर, कुआ बावड़ियों पर जिस तरीका से कब्जा अवैध किया, कब्जा जो किया जा रहा है, ऐसे ही सिटी सेंटर्स के सामने एक भू माफियाओं के द्वारा एक धर्मशाला को अवैध तरीके से उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। जिस परिवार का उस पर हक है, उस परिवार के लोगों ने वहाँ पर लोगों को, समाज के लोगों को, अन्य समाज के लोगों को वहाँ इकट्ठा करने का काम किया। जब हम लोग, सभी समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे तो उस व्यक्ति पे इस तरीका से वो लोग मार रहे थे, जिसमें नवल, उसका नाम नवल है, उसके पिताजी का नाम सुनील लाल है, रोशन लाल। तो उसका सिर फट गया था। उसका जब सिर फट गया तो मैंने वहाँ पर जाकर के मैंने देखा, जब कि एक व्यक्ति को मार रहे, पीट रहे, मैंने वहाँ बचाने का काम किया। मैंने जब बचाने का काम किया तो मेरे साथ ही उस तरीका से अवैध व्यवहार करने का काम किया, मेरे भी कपड़े फाड़ दिए गए। इस तरीका से ये घटना हुई है। क्योंकि आज जो कहने को तो हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, कहते हैं कि योगी जी की सरकार है, किसी धर्मशाला पर, मंदिर पर कब्जा नहीं होना चाहिए। लेकिन भू माफिया जिस तरीका से कब्जा कर रहे हैं जमीनों पर, बहुत ही निंदनीय कार्य है। क्योंकि और जो अपनी जमीन बता रहे हैं, ये हकीकत इस तरीका से है कि एक जो व्यक्ति हैं, जो कोखी थे, कोखी की कोई संतान नहीं थी, वो जमीन जिस तरीका से उनके परिवार के सदस्यों ने मुझे अवगत कराया, मैं उस तरीका से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कोखी जो चेतराम के पुत्र थे, चेतराम के ही जो कोखपाल और ज्योतराम और मूलचंद, ये लोग थे। कोखी के नाम में गुलाब सिंह ने उस धर्मशाला की जगह को और उसको टेक केयर बनाया था, न के संपत्ति उनके नाम में की धर्मशाला के लिए। लेकिन टेक केयर ने क्या किया, जो उसके बारिश थे, उसके बारिश नहीं थे, कोखी की जमीन को कोखपाल बन करके उसने अपने बेटे सुनहरी के नाम में एक वसीयत 1973 में करने का काम किया। वसीयत में सीधा उसमें लिखा कि मेरे जीवित मेरा हक है, मरने के बाद में सुनहरी लाल का हक है। लेकिन एक नाक नीचे और खुली हुई है और इस पे स्टे बहुत पुराना चल रहा है। आप देखेंगे, आपको मैं डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दूंगा, उसमें बाकायदा स्टे लगा हुआ है। लेकिन बार बार हमने प्रशासन को अवगत कराया, SDM को अवगत कराया। मेरा फर्ज सिर्फ इतना है कि ट्रस्ट की जमीन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ये सरकार समाज की जगह। मेरा कहना यह है कि जो धर्मशाला है, कुआ है, बावड़ी है, अगर उसका कोई बारिश नहीं है तो सर्व समाज को दे दिया जाए, सर्व समाज का ट्रस्ट बना करके समाज को समर्पित कर दिया जाए और गरीब कन्याओं की शादी हो, लोगों को फायदा हो, इस तरीका से ये कार्य हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा निंदनीय ये कार्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रम जाता है बचाव के लिए, उसके साथ में इस तरीका से संलोक किया है, बहुत ही निंदनीय है। कौन लोग हैं ये इसमें कब्जा करने वाले? कोई मेरे संज्ञान में आया है, कोई हरियाणा फर्नीचर वाला है, कोई एक कोई पप्पी गुप्ता है, बालाजी टेंट वाले, और बालाजी टेंट वाले। इस तरीके से 3-4 लोगों के नाम आए कई जगह, और एक कोई श्रीवास्तव करके। इन लोगों के प्रयास, मैं आपको बताऊं, शहर में लोगों के और भी कारनामे, और भी लोग पीड़ित हैं जिनकी जमीनों पर इन्होंने कब्जा किया है। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए इस सरकार में। अगर ऐसे कार्य करेंगे तो हम लोग जनता को क्या संदेश देने का काम करेंगे? तो मेरा आपसे यही है, आग्रह है कि इस तरीके से घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आपके सामने जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके परिवार की जमीन है, और ये व्यक्ति आपके साथ है, मैं तो आप बीच बचाव में, मेरे साथ में घटना हुई है, आप बात कर सकते हैं।